बीजेपी का दामन हमने पहले भी नहीं पकड़ा, ना हम बीजेपी में कभी गए। अभय सिंह चौटाला बीजेपी के राजस्थान में वोट मांग के आए कि नहीं, पूछो उनसे। क्या तब किसान नहीं मरे थे? क्या तब किसानों की उन्हें याद नहीं आई? क्या बीजेपी बदल गई? बीजेपी का गले में पटका डाल के वोट मांगते थे कि नहीं मांगते थे? कि किसान आंदोलन हुआ नहीं था तब तक? मैं कहता हूं खुले तौर पे आपके चैनल पे उन सभी लोगों को जिनमें थोड़ा बहुत भी कांग्रेस का कीड़ा रह रहा है और भूत सवार है कांग्रेस का, मैं कहता हूं उन्हें कि भूपेंद्र हुड्डा की एक ही सोच थी कि दुष्यंत सरकार ज्वाइन ना करे, बाहर बैठा रहे और इसका हाल कुलदीप बिश्नोई जैसा हो जाए। इसके MLA छोड़ बात, दिग्विजय चौटाला का विरोध करो। दिग्विजय चौटाला जो है सबसे पहले छाती के लगा के पहले राम राम करेगा। हाँ, हमारा विरोध मैं तब जायज मानता अगर कोई SKM ने फैसला लिया होता वर्सेस ये जाट वर्सेस बामण, बनिया वर्सेस ये, इन चीजों से ये ED CBI के डर में कांग्रेस कैसे बाप बेटा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो हरियाणा के अंदर डरी बैठी है बीजेपी से। भूपेंद्र हुड्डा ने सारे बीजेपी में भगा रखे, कह के भगा रखे। वो अपना छोरा जिता लो, उसने परवाही नहीं 9 सीट की। मैंने तो भूपेंद्र हुड्डा जी को ऑफर दिया था दुष्यंत जी के कहने पे। ये जवाब तो भूपेंद्र हुड्डा जी को देना चाहिए, बीजेपी के साथ क्यों गए? ना हमारी बीजेपी खास भाई सगी, ना हमारी कांग्रेस सगी। अपने वाले याद तो करेंगे मगर करें थोड़ी देर में है, ये हरियाणा की खास बात है। चौटाला साहब, लोकसभा चुनाव आ गई है, जजपा की क्या तैयारियां हैं? जजपा की आज 15 साल से हम बाहर थे, 5 साल और बाहर बैठ जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। किसान के खाते में सीधा पैसा, कितनी बड़ी, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी भाई? भाई वो जो तेरा विरोध करने वाले डबाली में थे ना, वो सारे कांग्रेसी थे। धन्यवाद, हरियाणा चढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। बढ़िया नाम रखा है आपने चैनल का, धन्यवाद। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है जजपा के कद्दावर नेता चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला जी। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा। बहुत धन्यवाद, हरियाणा हर वक्त चढ़ता रहे जी। धन्यवाद चौटाला साहब, लोकसभा चुनाव आ गई है, जजपा की क्या तैयारियाँ हैं? जजपा की पहली लिस्ट आई है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत नई उमंग आई है। हिसार से श्रीमती नैना चौटाला जी जो बाड़ा से विधायक हैं, मेरी माता जी, उनको टिकट मिली है। सिरसा से हमारे रमेश कटक जी 3 बार के विधायक रहे हैं, उनको टिकट मिली है। ऐसी नलिन हुड्डा को फरीदाबाद से, राहुल फाजिलपुरिया जो बहुत मशहूर कलाकार है जिन्होंने एक छोटे से गाँव फाजिलपुर से निकल कर समुचे राष्ट्र में एक अपनी छाप हरियाणा की छोड़ी, अलग रैप के कल्चर में, और फाजिलपुरिया जी, उनको टिकट दी है। ऐसे ही हमारे राव साहब को टिकट मिली है भिवानी से, उनकी तो पहले अनाउंस होगी थी। तो ये 5 टिकटें डिक्लेयर हुई हैं और मैं सभी प्रत्याशियों को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ और अब हरियाणा की जनता का विश्वास, उनका आशीर्वाद हासिल हम जरूर करेंगे। चौटाला साहब, जैसे बीजेपी के साथ अलायंस में आप सरकार बनाते हो 2019 में, जजपा को इसको क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुआ है? फायदा नुकसान की बात नहीं, हमारा मोटिव ये था कि हम 5-7 बड़ी बातें मनवा लें कि 15 साल से हम बाहर थे जी, 5 साल और बाहर बैठ जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। और 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है जी। वो आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी कि तुमने 20 साल में कभी तो तुम्हारी सरकार बनी होगी भाई, क्या किया? तो इसलिए सरकार में हम शामिल हुए, उसमें हमने 75% आरक्षण लागू किया जो कोर्ट्स में स्टे हो गया, खैर वो भी एक ना एक दिन जरूर लागू होगा और उसका बहुत बड़ा फायदा हरियाणा के यूथ को मिलेगा। ऐसे ही महिला को 50% हिस्सा दिया, बैकवर्ड को 8% हिस्सा दिया, 33% महिला को राशन डिपो जो गाँव में चलाते हैं उसमें हिस्सा दिया। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है दुष्यंत जी की, वो है फसल का डायरेक्ट पैसा खाते में देना। पंजाब में भी होती है फसल खरीद, हर जगह होती है, कहीं भी पैसा आढ़ती को जाता है, आढ़ती के माध्यम से किसान के खाते में आता है। और वो उसमें क्या होता है, क्योंकि आढ़त का और किसान का एक रिश्ता सा है, वो लेन देन चलता है, वो लेन देन के चक्कर के अंदर क्या है कि किसान को जब आवश्यकता होती है तो किसान को दिक्कत आ जाती है। दुष्यंत जी ने कहा कि फसल तुम्हारी तो पैसा तुम्हारा, सीधा खाते में 72 घंटे में। ये क्रांति थी हरियाणा के अंदर जो दुष्यंत जी लेके आए, बहुत से काम किए मगर बहुत से रह भी गए। जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो माहौल बेस्ड पार्टियां होती हैं, माहौल बन गया तो लहर चल जाएगी, उस लहर में बहुत कुछ बह जाता है, हासिल हो जाता है, खोया जाता है। जजपा काडर बेस्ड पार्टी है, जजपा ने पहली बार इलेक्शन लड़ा जींद में, बहुत अच्छे वोट हासिल किए, फिर 7-8% लोकसभा में हासिल किए, 16-17% विधानसभा में हासिल किए और हम अपने 16-17% को 25% पे ले जाने का लक्ष्य लेकर के चल पड़े। चूँकि देवीलाल जी ने जब पेंशन दी उसके बाद उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके तुरंत बाद उस इलेक्शन के कितना संघर्ष करना पड़ा जी। मगर फिर वो याद करते हैं लोग, तो अपने वाले करते हैं, हरियाणा के अपने लोग हैं,
हमारे अपने परिवार के लोग हैं, मगर वो हमारे यहाँ पे पैटर्न है कि कमियाँ ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, जो उसकी अच्छाई है उसको गिनो। दुष्यंत ने एमपी रहते हुए, एक एमपी क्या होया करता, ऊपर की वोट है भाई, डाल दो वो तो दिल्ली जाने हैं। दुष्यंत ने ये बता दिया था भाई एमपी क्या होता है, क्या कर सकता है एमपी, कैसे, पासपोर्ट के अंदर सबसे पहले दुष्यंत ने खुलवाए सारे हरियाणा में, गांव गांव ये जो ढाणियों की सड़क, वो ढाणियों के अंदर बिजली, ये कोई नहीं जानता था एमपी कोटे से आ सकती है, सबसे पहले दुष्यंत लेके आया। और आपका ये गांव के अंदर जो है ना टैंकर पानी के, सबसे पहले किस सांसद ने बांटे, दुष्यंत चौटाला ने बांटे। ये इस पे ट्रैक्टर पे टैक्स लगया, किसने हटवाया, दुष्यंत ने हटवाया। मगर क्या है कि उन बातों को लोग याद तो करते हैं, दबी जबान में करते हैं। बीजेपी के साथ क्यों गए, ना हमारी बीजेपी खास भाई सगी, ना हमारी कांग्रेस सगी। मैंने तो भूपेंद्र हुड्डा जी को ऑफर दिया था दुष्यंत जी के कहने पे, ये जवाब तो भूपेंद्र हुड्डा जी को देना चाहिए। मगर इस बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कांग्रेस ही बात करने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं खुले तौर पे आपके चैनल पे, उन सभी लोगों को जिनमें थोड़ा बहुत भी कांग्रेस का कीड़ा रह रहा है और भूत सवार है कांग्रेस का, मैं कहता हूं उन्हें कि भूपेंद्र हुड्डा से पूछो कि दिग्विजय चौटाला और डॉक्टर केसी बांगड़ की आपसे बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी, क्यों नहीं लाए आपने, क्यों नहीं सरकार बनाई। पहला ऑफर उनको था, जब वो नहीं बना पाए दूसरा ऑफर इनको था। भूपेंद्र हुड्डा की एक ही सोच थी कि दुष्यंत सरकार ज्वाइन ना करे, बाहर बैठा रहे और इसका हाल कुलदीप बिश्नोई जैसा हो जाए, इसके एमएलए छोड़ छोड़ भाग जाए। चौटाला साहब, जो आज सबसे बड़ा डर है ना लोगों के मन में आपको वोट देने के प्रति, वो ये है कहीं अगर हम दुष्यंत जी पर दोबारा भरोसा करें, ये दोबारा से बीजेपी का दामन ना पकड़ लें। क्यों पकड़ेंगे हम बीजेपी का दामन, बीजेपी का दामन हम क्यों पकड़ेंगे, पहली बात सोचने की ये है। बीजेपी का दामन हमने पहले भी नहीं पकड़ा, ना हम बीजेपी में कभी गए, बीजेपी के साथ जाकर के हमने सिर्फ एक सरकार बनाई थी। मगर मैं उन लोगों से, मेरा तर्क वितर्क है जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, वो ही लोग हैं जो ये कहते हैं बीजेपी की तुमने सरकार बनाई, नहीं तो ये खट्टर मुख्यमंत्री नहीं बनना था, यही बात है कि नहीं जी। मैं उनसे ये पूछता हूं कि हमने तो चलो बनाई बनाई और अब हम बाहर भी हो गए, अब ये नायब सैनी किसने बनाया जी। इस बात का जवाब अगर वो मुझे दे दें, भूपेंद्र हुड्डा के चोटी कट चेले हैं ये निर्दलीय, भूपेंद्र हुड्डा ने सारे बीजेपी में भगा रखे हैं, कह के भगा रखे हैं। अच्छा, बीजेपी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो अपना छोरा जिता ले उसने परवाही नहीं 9 सीट की। अच्छा जी, अगर मैं गारंटी सुधा कहता हूं मजबूत कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा इसके सामने खट्टर साहब के सामने उतार दे, हम तो संघर्षी लोग हैं, 10-10 साल की जेल काट आई, इसको एक दिन भी इसको इसके लड़के को जेल जाना पड़ गया तो पता चल जाएगा, ईडी सीबीआई से डरते हैं ये लोग, ये सारी दुनिया को पता है जी। ये ईडी सीबीआई के डर में कांग्रेस कैसे बाप बेटा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो हरियाणा के अंदर डरी बैठी है बीजेपी से, ये भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं, हरियाणा जानता है, कहना कोई नहीं चाहता, और मेरे वाली बात कड़वी इसलिए लगती है मैं कह दिया करूं। चौटाला साहब, जैसे जब दुष्यंत जी एमपी थे ना 2014 से 2019 तक, एक बात के बड़े कायल थे लोग उनके, उन्होंने एक बयान दिया था लोकसभा में, वो बड़ा प्यारा था, बड़ा वायरल भी हुआ था उस टाइम में। उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि भाई जब भी इस देश का किसान सरकार से रूठता है ना, सरकार से नाराज होता है, वो किसान कौम एक ऐसी कौम है जो सरकार नहीं कराते, वो सरकार की पीठ तोड़ने का काम करती है। 2019-20 में जब किसान आंदोलन शुरू होता है, 22 में वही सिचुएशन दुष्यंत जी के ऊपर लागू हो जाती है कि जो दुष्यंत इतना गरजते थे लोकसभा में, आज वो विधानसभा में क्यों नहीं बोल रहे किसानों के मुद्दों, विधानसभा में किसान का, विधानसभा में दुष्यंत जी ने हर बार किसान का मुद्दा उठाया, मैंने जो गिनवाए किसान की तो काम गिनवाए आपको, करे हैं, मंडियां बनाई कोरोना काल के अंदर, किसान को डायरेक्ट खाते में पैसा दिया, 72 घंटे में पेमेंट दी, आज देख तो लो सरसों का किसान का क्या हाल है, वो विश्वास जीतने में कामयाब क्यों अब सर? अब, दो अब ये कोई उनने से पहले अब मुझे एक ये कोई बात नहीं होती, ये कोई पैमाना नहीं है तय करने का, विपक्ष में सारी बात बहुत अच्छी लगती है जी जी, ये आप पत्रकारों वाली बातचीत कर रहे हो मेरे साथ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये लच्छेदार बातें विपक्ष में सारी अच्छी लगती हैं, पर जब कोई काम करता है हमें उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो दुष्यंत ने किया है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये याद तो आएगा जी। आएगा थोड़े दिन में। चौटाला साहब, जैसे जहाँ भी जाते हैं, जहाँ दुष्यंत जी जाते हैं आज के टाइम में, दिग्विजय जी जाते हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाले जाते हैं, भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये विरोध फिर वही वाली बात हो गया जो कर रहे हैं,
आपको क्या पता नहीं कौन लोग हैं? किसान कहते हैं। अगर मैं तो आप और मैं क्या हैं? आप और मैं क्या हैं? हाँ, मेरा हमारा विरोध मैं तब जायज मानता अगर कोई SKM ने फैसला लिया होता, अगर कोई यूनिट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला लिया होता। मैं इस चोले को तो उतार दूं JJP वाले को, और हाथ में किसान का झंडा ले लूं, और दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की गाड़ी के सामने जाके नारे लगा दूं चार, उसकी गाड़ी को के बोनट को पीट दूं, तो मैं किसान हो जाऊंगा और वो नेता हो जाएगा, उसका विरोध हो जाएगा। उसकी सच्चाई क्या है? क्या आपने देखा 3-4 जगह जहां विरोध हुआ है वो कौन लोग थे? धीरे धीरे सारी बात सामने आ जाती है। सोशल मीडिया पे बच्चा बच्चा, मैं पीछे गांव में था अंबाड़ा के, मेरे को एक बुजुर्ग कहने लगा, भाई वो जो तेरा विरोध करने वाले डबाड़ी में थे ना, वो साले सारे कांग्रेसी थे। अंबाड़ा में पता है डबाड़ी वाले कांग्रेसी थे। तो धीरे धीरे सारी बातों का क्या है कि एक दिन तो वो ब्रेकिंग न्यूज और वो जो है ना चटपटी अच्छी लगती है, मगर वो कितने एक दिन छुपे। लोग ये भी कहते हैं चल कोई किसी पार्टी से हो, किसान तो सभी होते हैं ना। हाँ, तो फिर किसान सभी हैं, तो क्या अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो सभी की ये तो नो एंट्री हो जाएगी गांव में, और मजबूरन करना ही पड़ेगा। अगर ये बंद नहीं मानेंगे तो फिर सारे सबका विरोध होगा, टोटल का विरोध होगा। क्यों नहीं होगा? सबके जो है ना हैंड इन हैंड है किसी ना किसी तरह। अब अभय सिंह चौटाला अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उनने वो किया अपना इस्तीफा दिया उनने चुनाव के। अभय सिंह चौटाला BJP के राजस्थान में वोट मांग के आए कि नहीं, पूछो उनसे। उनके दोनों बच्चे उनके एजेंट थे कि नहीं थे BJP के? BJP का गले में पटका डाल के वोट मांगते थे कि नहीं मांगते थे? कि किसान आंदोलन हुआ नहीं था तब तक? हो लिया था क्या? तब किसान नहीं मरे थे क्या? तब किसानों की उन्हें याद नहीं आई क्या? BJP बदल गई क्या? BJP सिर्फ हरियाणा में है? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। क्यों नहीं करते उनका विरोध? जाके करो। ये पिक एंड चूज है, जैसा जहां जिसको सुहाता लगे वैसा वैसा कर ले। हम क्यों बुरे लगते हैं? मैं एक बात और आपको बताऊं जी, खट्टर का विरोध करो जी, खट्टर का यहाँ टेंट लग रहा होगा ना, यहाँ भाषण देना होगा जी, 1.5 किलोमीटर पुलिस वहां लाठी लेके खड़ी होगी जी, और कोई सा आगे नहीं आने देगी, कोई भी आगे आएगा उसके लाठी पड़ेगी। दिग्विजय चौटाला का विरोध करो, दिग्विजय चौटाला जो है सबसे पहले छाती के लगा के पहले राम राम करेगा जी, हाथ जोड़ेगा जी। कोई बुजुर्ग है तो पैर के हाथ लगाएगा। BJP वाला होगा दूर से पुलिस लठ मारता लाएगी इनके और मुकदमा दर्ज करेगी, उनका कोई विरोध नहीं करता, दूर से खड़े खड़े नारे लगावे उनके। और मेरा, मेरे पिताजी का, दुष्यंत जी का विरोध करो, सबसे पहले हम गाड़ी से उतरेंगे, इनके राम राम लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। मगर भाई ये जो इजी एक्सेसिबिलिटी है ना, जो आसानी से मिल जाए, उसका स्वाद किसी किसको पसंद है? दुनिया का तो वो पसंद है जो तड़क भड़क वाला हो, करारा लगे। दूसरा जिस बात पे गठबंधन टूटा ना, ये कह रहे हैं कि हमारे को रोहतक सीट ऑफर की गई थी अलायंस में कि आप लड़ो, जब हमने मांगी नहीं थी वो देना चाहते थे नहीं। बात दीपेंद्र ने तो ये बोल दिया, वो डरते नहीं आए यहाँ रोहतक में। दीपेंद्र तो बोलेगा ही, दीपेंद्र और क्या बोलेगा? दीपेंद्र तो 25 और 4 जून तक बोलेगा, जब काउंटिंग होगी तो फिर दीपेंद्र को नहीं बोले, उसके बाद दीपेंद्र तो बोलेगा। मगर सच्चाई ये है कि हमें कहा उनने कि तुम तैयारी करो गठबंधन में जी। हमें कहा कि 2 सीटों पे तैयारी कर लो, हमने 2 सीट पे तैयारी कर ली जी। अब आधी रात को खड़े होके बोलो भाई 9 तो भूल जाओ और इस पे चुनाव लड़ लो, कैसे लड़ लो भाई जी। तुक्की बात है क्या ये जी? हमने कहा हम 10 पे लड़ेंगे, तब भी तो लड़ेंगे, अब लड़ रहे हैं ना, रोहतक पे भी लड़े जी। तो सब किन मुद्दों को लेके लोकसभा चुनाव लड़े, अहम मुद्दे जजपा क्या रहे? मुद्दा एक ही है, हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट में पहुंचानी। ये जो बड़ी पार्टियों के MLA हैं ये गुलाम हैं, ये इनकी कोई आवाज नहीं है। पार्लियामेंट में पार्टी के हिसाब से मिनट मिलती है, जैसे हमारे इनेलो में 2 थे तो 2 मिनट मिलती थी जी। दुष्यंत चौटाला 2 मिनट में काम की बात कर जाता था जी। इनकी 303 MP हैं BJP के, हरियाणा के इनके 10 के 10 हैं। 303 मिनट में 1 मिनट भी हरियाणा वाला कोई बोलता सुनाई दिया आपने? नहीं बोलता। हमें अगर 1 मिनट मिलेगी, 5 मिनट मिलेगी, 10 मिनट मिलेगी, हम हरियाणा के काम की बात को हिमालय की चट्टानों से ऊंचा उठाएंगे, वो हमारा लक्ष्य है। चौटाला साहब, मेरा ये लास्ट ही सवाल है, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है और कैथल डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में आज तक किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी, क्या जजपा कुछ ऐसा करने जा रही है कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में इस बार आपकी टिकट आई? हमने 3-4 लोगों का नाम का पैनल लिया है, उसमें से 1 या 2 नाम कैथल के भी हैं, उन पे भी गंभीरता से चर्चा चल रही है और बहुत जल्द इस पे फैसला हो जाएगा, 2-4 दिन में ये लिस्ट भी आ जाएगी।
चौटाला साहब, अंत में जो हरियाणा की जनता आपको देख रही है तो क्या संदेश? मैं हरियाणा की मेरे परिवार रूपी इस जनता से ये कहूंगा, काम के नाम का वोट दो। जाति पाति धर्म मजहब ये वर्सेस ये, जाट वर्सेस ब्राह्मण, बनिया बनिया वर्सेस ये, इन चीज़ों से अब भी हमारी पीढ़ी भी, हम लोग भी आगे नहीं बढ़े तो ये हमारे से कमज़ोर कौम नहीं है कोई। फिर हम क्या तलाशते हैं? किसी के अंदर किसी को वोट दे करके, अगर उसकी जाति के नाम पे उसे वोट दे करके वो करेंगे तो इससे बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती नहीं है। हमारे को काम के नाम पे वोट दो, कर्म योगी को दो, जो अच्छा हो उसको दो, किसी भी पार्टी का अच्छा आदमी हो उसको वोट दो, जो काम कर सके, जो लड़ाई लड़ सके, जो आपकी पहचान को कायम रख सके, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ये थे दिग्विजय चौटाला जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए ग्रामीण आंचल के सबसे चहेते चैनल चढ़ता हरियाणा के साथ। राम राम, जय जवान, जय किसान।